हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक होगा बच्चे को टीकाकरण लगने के बाद क्या रेमेडीज आपको फॉलो करना चाहिए, खासकर बच्चे का दर्द कम होने में आपको क्या सजेशंस या रेमेडीज फॉलो करना चाहिए। तो इन टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ होम रेमेडीज भी नहीं बोल सकते, मतलब एक खुद की कुछ रेमेडीज जो मैंने खुद के लिए बना ली थी जब मेरे बेटे के टाइम में टीकाकरण लगने के टाइम में मैं कुछ फॉलो खुद के लिए जो रेमेडीज तैयार करके रखी थी वो मैंने ऐसे बिल्कुल ऐसे फॉलो कर लेके आई, तो मेरे को बिल्कुल भी मतलब आराम से स्मूथ से गया वो इम्यूनाइजेशन के पीरियड, मेरे को बिल्कुल 100% वर्क हुआ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो जो रेमेडीज मैंने फॉलो की थी वो आप सभी के साथ शेयर करूं ताकि आपको भी हेल्पफुल हो, क्योंकि बच्चे जब टीकाकरण लगता है तो बच्चे बहुत दर्द में रहते हैं, घुमसुम से रहते हैं, बिल्कुल डल पड़ जाते हैं, दो दिन घर में ही गुजर जाते हैं उनके दिन। तो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो जरूर आपके बच्चे को भी ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सकता है और शायद बुखार भी ना आए। तो आप होप ये आप सजेशंस या रेमेडीज जो मैंने मेरे बेटे को यूज किया है आप जरूर फॉलो करेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो को फटाफट से शुरू कर देते हैं। तो पहला चीज जो मैंने किया था वो है इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण लगने लेके जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा दीजिएगा। इससे क्या होगा, बच्चे का पेट जब भरा होगा और बच्चे को अच्छे से नींद लग जाएगा। जब टीकाकरण के टाइम में बच्चे को उतना ज्यादा डर फील नहीं होगा क्योंकि वो नींद के नशे में होगा, तो ये आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आप जरा दूर में हैं, घर दूर है, आपके साथ मैनुअल ब्रेस्ट पंप्स भी रख ले, मतलब ब्रेस्ट पंप्स जो भी आते हैं वो आप रख ले सकते हैं। मैं ब्रेस्ट पंप लेके जाती थी मेरे साथ, अगर ज्यादा लेट हुआ या ज्यादा पेशेंट है उसे भी ज्यादा लेट हो जाएगा एक एक बार, तो मैं ब्रेस्ट पंप लेके जाती थी और मैं ब्रेस्ट फीड कराती थी। अगर आप फॉर्मूला मिल्क पे है, बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, तो आप एक बॉटल में फॉर्मूला मिल्क रेडी कर लेके जाइए, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर लेके जाइए, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको। तो ये मैं करती थी। और टीकाकरण लगने के टाइम में आपको क्या करना चाहिए, बच्चे को पेसिफायर्स दे सकते हैं यानी कि चूसनी दे सकते हैं। इससे क्या होता है, जब बच्चा को चूसता रहता है जब टीकाकरण लगता है उस जगह पे उसे उतना दर्द मालूम नहीं होगा, काफी हद तक कम होगा, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा, एटलीस्ट जरा तो कम उसे महसूस होगा, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे को तो ज्यादा वर्क हुआ है, मेरा बच्चा जरा रिलीफ फील हो रहा था, मतलब उसे ज्यादा दर्द फील नहीं हुआ, चूसने में लग गया था उसका तो उसे ज्यादा से ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ। तो मैंने इमीडिएटली टीकाकरण लगने के बाद मैंने क्या किया, इमीडिएटली मैंने उसे गोदी में ले लिया और उसे हल्का सा लाड कर ली, और इमीडिएटली उसके बाद मैंने क्या किया, उस बच्चा जरा शांत होने के बाद वो टीकाकरण के जिस जगह में टीकाकरण लगा था उस जगह में मैंने हल्का सा रब कर दिया। उसी टाइम में आपको रब करना ही है, अगर आप ये स्टेप भूल जाएंगे या बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो बच्चे को ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर आप ये हल्का सा उस जगह में मसाज नहीं करेंगे वो मेडिसिन उधर जाके जम जाएगा, ब्लड के फॉर्म में जम जाएगा और उससे सूजन ज्यादा होके बच्चे को ज्यादा बुखार होने का चांसेस है। तो इसलिए आप जरूर टीकाकरण लगने के तुरंत रब कर दीजिएगा और उसके बाद आप इमीडिएटली बच्चे को और एक बार फीड करा दीजिएगा, उसे बच्चे को नींद लग जाएगी और उसे दर्द मालूम नहीं हो जाएगा। और जब तक आप घर पहुंच जाएंगे बच्चे अभी सोया रहेगा, और घर पहुंचने के बाद जब बच्चा उठेगा तब आप इमीडिएटली कुछ रेमेडीज फॉलो कीजिएगा। इधर पहला होता है जो भी मेडिकेशंस दिए हैं वो 1 आवर के बाद पहले दे दीजिएगा बच्चे को, जो भी पैरासिटामोल या
पैरासीटामोल ड्रॉप्स ही देते हैं यूजुअली, तो पैरासीटामोल ड्रॉप्स डाल दीजिएगा बच्चे को, जो भी आपके पीडियाट्रिशियन सजेस्ट किए होंगे वो पहले, उससे पहले आप चेक कर लीजिएगा अगर बुखार है, बुखार है तब डालिएगा, अगर नहीं है तो 1 आवर के बाद अगर बुखार जैसा आपको फील हो रहा है तो जरूर थर्मामीटर रख के आप चेक करिएगा। टीकाकरण लगने के बाद तो बच्चे को बुखार आएगा ही, तो आप जरूर टेस्ट करने के बाद अगर बुखार है उसके बाद आप पैरासीटामोल का ड्रॉप्स दे। तो उसके बाद मैं क्या करती थी, उसको आइस पैक का मालिश देती थी, मतलब मसाज देती थी। मैं क्या करती थी, फ्रिज से 3 से 4 आइस क्यूब्स लेती थी एक कटोरी में, और एक साफ सुथरा कॉटन कपड़ा लेती थी उसमें डुबा देती थी, उसे अच्छे से निचोड़ के बच्चे के वो टीकाकरण लगा हुआ रहता ना वो जगह में मैं हल्के से प्रेस कर देती थी, ऐसे ऐसे अच्छे से हल्के से प्रेस करने से बच्चे को आराम मिलेगा, उसके साथ ही वो सूजन भी कम होता आएगा, और वो सूजन कम हो गया तो बच्चे को बुखार आने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो ये मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ, ये मेरा ये टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन का जर्नी बहुत ही स्मूथ चलने लगा। तीसरे बार तो मेरे बच्चे को बुखार आया ही नहीं, ये मैंने 2 टाइम उसे फॉलो किया ये आइस पैक का, तो उसे बुखार आया ही नहीं, बस एक बार आया तो मैंने पैरासीटामोल का ड्रॉप दिया तो उसे, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया, अच्छे से खेलें। और एक भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो हर मदर्स आपके बच्चे के साथ करते हैं, ये आप जरूर करिएगा, जब बच्चा इम्यूनाइजेशन के पीरियड में है आप जरूर उसे जितना होता है उतना कटलिंग कीजिएगा, उसे लाड कीजिएगा, प्यार कीजिएगा, उसे किसी दीजिएगा, उसे लेके गाना वाना भी गाइएगा, अच्छे से टाइम स्पेंड करिएगा आपके बच्चे के साथ, बच्चा खुद अपना उसका दर्द भूल जाएगा, उतना मैजिकल ट्विस्ट रहता है मदर्स का कटलिंग, और उधर बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बन जाती है माँ के बीच में और बच्चे के बीच में, तो ये बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है मदर एंड बेबी के बीच में। तो जितना हो सकता है अब बच्चे को, आपके बच्चे को कटलिंग दीजिएगा, उससे बहुत ही राहत मिलता है बच्चे को, ये भी एक मैजिकल ट्विस्ट, मैजिकल रेमेडी बोला जा सकता है, तो ये भी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, कर देगा। ये टीकाकरण का जर्नी बच्चों के लिए तो 2 दिन खराब हो ही जाता है, पहला 3 महीना तो बच्चे को देखने भी होता नहीं, उतना खराब लगता है मदर्स के लिए। तो ये कुछ छोटे मोटे रेमेडीज जो भी मैंने शेयर किया है आपसे, होप ये आपको भी वर्क होगा, जरूर फॉलो करिएगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा आपके एक्सपीरियंसेस, ताकि ये दूसरे मदर्स के लिए भी यूजफुल हो। तो होप आपको अच्छा लगा है ये मेरा वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही।